My name is Dr. Shweta Goyal and you are watching the Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical. So there is one more vacancy is Bell, okay, Bharat Electronics Limited. इसमें भी vacancy निकली है आपकी trainee engineer और project engineer की, ठीक है, एक training engineer और trainee officer की है और एक आपकी project engineers की, तो दो पोस्टें आपकी निकली हैं. ये भी आपकी जो है आपकी trainee engineer, मैं इसमें आपको पूरा description इसमें आपको मिल जाएगा और इसको भरने के लिए आपको description box में आपको इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी. तो आपको फर्स्ट ईयर इसमें क्या है, वन ईयर टेंचर विद द एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम 3 इयर्स. ट्रेनिंग इंजीनियर की 1 साल के लिए होगी और उसको 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं 25,000 पर मंथ में लिए. और प्रोजेक्ट इंजीनियर की आपकी 2 साल के लिए होगी, एक्सटेंडेड अप टू 4 इयर्स के लिए वो एक्सटेंड कर सकते हैं. और कहाँ पर है, बेल गाजियाबाद के लिए है ये आपकी, बेल गाजियाबाद के लिए आपकी ये निकली है, जिसमें आपकी 35,000 पर मंथ आपकी आपको इसमें रेमुनरेशन मिलेगा. अब है ट्रेनी इंजीनियर्स के लिए आपको डिसिप्लिन ईसी में निकला है, मैकेनिकल में निकला है. ईसी में 40 आपकी वो है, मैकेनिकल में आपकी 11 है. इसमें आपको बीटेक बीएससी या बी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में. न्यूनतम आपको मिनिमम 1 ईयर का आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है. आपको इसमें जो सीटें निकली है वो आपकी 35 तो आपकी जनरल के लिए है, ओबीसी 19, एससी एसटी के लिए 10 है, एसटी के लिए आपकी 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 7 है, ठीक है. अब ट्रेनी इंजीनियर्स में ही आपकी कंप्यूटर साइंस के लिए 19 निकली है, या कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी 19 है. इसमें भी आपको बीटेक चाहिए, 25 इयर्स मिनिमम चाहिए. ट्रेनी ऑफिसर की अगर हम बात करें तो उसमें फाइनेंस वालों के लिए निकली है, ईसी के लिए फाइनेंस वालों के लिए निकली है 6 पोस्ट. इसमें आपको एमबीए चाहिए और 2 ईयर फुल टाइम एमबीए इसमें आपको चाहिए. इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस होना नहीं चाहिए, ऐसा कोई इसमें नहीं है, इसमें भर सकते हैं. एक है आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर. प्रोजेक्ट इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी है, ईसी के लिए 30 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 10 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 17 है, सिविल के लिए 2 है, एरोनॉटिकल के लिए 1 है. तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी 1 वैकेंसी है, ईसी के लिए आपकी 30 वैकेंसी है. इसमें आपको बीई बीटेक चाहिए, एरोनॉटिकल में बीटी बीटेक चाहिए. 28 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, 2 ईयर मैक्सिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर्स होना चाहिए. जनरल के लिए 28 है, अदर 16, 4, 8 आपकी इसमें अदर है, ठीक है. तो ये है आपका पूरा जो है, पूरा अगर आप देखना चाहें तो इसमें क्या है आपका, वही उसी को ज्यादा अच्छे से समझाया गया है कि आपको इसमें करना क्या क्या करेगा. आपको इसमें पीएएल प्रॉम्प्ट्स, ई प्रॉम्प्ट्स आपको आना चाहिए, ठीक है, सीआरओ आपको आना चाहिए. तो ये आपका इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु अभियंता के लिए एक्सपीरियंस है कि आपको किस चीज में एक्सपीरियंस होना चाहिए. फ्रिक्वेंसी काउंटर, फंक्शन जनरेटर एनालाइजर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, सीआरओ, डीएमएम, ये आपको आना चाहिए. अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर आपने क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, अगर आपने बीई बीटेक किसी अच्छे कॉलेज से किया है, सीजीपीए अगर आपका अच्छा है तो आपका 75% तो वहीं से आपका वेटेज बन जाएगा. सेकंड क्राइटेरिया आपका आपका एक्सपीरियंस का रहेगा तो आपका 10% वेटेज वहां से बनेगा और 15% वेटेज जो आपका बचता है वो आपका इंटरव्यू से बनेगा. तो टोटल 100 मार्क्स का आपका वेटेज रहेगा यहाँ पे, ठीक है. अब अगर हम फीस की बात करें तो इसमें आपका जो फीस है वो आपका किसी भी अगर सामान्य अगर जनरल से है या आप किसी पिछड़ा वर्ग से, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को 200 रुपीज का होगा और 500 रुपीज की जमा राशि होनी चाहिए. अगर आप ट्रेनी इंजीनियर भर रहे हैं तो आपको 200 रुपीज करना पड़ेगा. अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भर रहे हैं तो आपको 500 रुपीज आपको करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये है आपका इसमें इंस्ट्रक्शन. देखिए पेमेंट लिंक आपको दिया है, ऑनलाइन एसबीआई से आपका पेमेंट होगा, ऑनलाइन एसबीआई के थ्रू ही आपका होगा इसमें, ठीक है. तो वही है, जब आप इसे भरेंगे तो आपको इसमें बीएल गाजियाबाद की साइट पे आपको भरना पड़ेगा और आपको इसमें ऑनलाइन आप इसे भरेंगे, ठीक है. इसमें आपको अपना एनओसी सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा अगर आप कहीं पर अप्लाई करते. देखिए अब आप अप्लाई कैसे करेंगे, आपको जॉब्स अप्लाई इन .in.bel2020 गाजियाबाद टीपी, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड आपको करा दूंगी, आप वहां पे भर सकते हैं. लास्ट जो इसको भरने की डेट है वो आपकी 26/12/2020 है, तो 2 दिन बचे हैं, इसको आप जितना जल्दी भर सकते हैं आप इसे भर दीजिए, ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है. आपकी 16 से स्टार्ट हुआ है, 26 तक आपका इसमें लास्ट डेट है, ठीक है. आप इसको भरिए फटाफट और जल्दी से आप मुझे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कि तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए और वो इसको
कर सकें। ठीक है, सो थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर।